वेलकम। तो चलिए आज देखते हैं विवि डॉट नेट में पिक्चर बॉक्स और ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स कैसे यूज करते हैं। यानी मैं एक पिक्चर बॉक्स का कंट्रोल लूंगा और उसमें से हम हमारी चूज की हुई फाइल सिलेक्ट करेंगे और हमारे पिक्चर बॉक्स में वो दिखेगा। तो देखते हैं, चलो आपके सामने दिख रहा है विजुअल स्टूडियो का आईडी, जहां मैं चूज करूंगा न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ओके, तो आपके सामने अब दिखेगा डिजाइन व्यू। तो ये आ गया डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आपको फॉर्म्स दिख रहा है। अब इस पे मैं कुछ कंट्रोल लूंगा, तो बहुत बारीकी से देखिए मैं कौन से कंट्रोल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं टूल बॉक्स में जा रहा हूँ। टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स रहता है जैसे हमारे पेंट ब्रश का रहता है, वैसे ही ये टूल बॉक्स रहता है। इसमें से मैं ले रहा हूँ अभी पिक्चर बॉक्स। ओके, तो ये आपके सामने आ गया एक पिक्चर बॉक्स। उसके बाद मैं ले रहा हूँ एक बटन, कि जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कुछ सिलेक्ट करेंगे इमेज और ये पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले होगी। ओके, और एक चीज हमें लेनी पड़ेगी, बहुत ही बारीकी से देखिए। ओपन फाइल डायलॉग, देखो डायलॉग करके अलग से ओपन फाइल डायलॉग। ओके, तो आप कहेंगे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ नीचे वो कंट्रोल आ गया है, जैसे ही हम कोडिंग में उसका यूज करेंगे तो हम ये देख सकते हैं। बटन पे मैं कुछ टेक्स्ट लगे दिखता हूँ, शो। ओके, और इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, बटन का नाम करता हूँ मैं BTN शो। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, देखिए बटन क्लिक का इवेंट आ जाएगा, बटन शो अंडरस्कोर क्लिक। डॉट नेट एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और पिक्चर बॉक्स में वो कैसे आता है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ये ओपन डायलॉग बॉक्स वन, बहुत बारीकी से देखिए, डॉट शो डायलॉग नॉट इक्वल टू विंडोज। मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट डायलॉग रिजल्ट डॉट कैंसल देन। तो इसका मतलब है कि अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ओपन डायलॉग बॉक्स को, और अगर मैंने अगर कुछ कैंसिल बटन, विंडोज का कैंसिल बटन नहीं दबाया, क्योंकि ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ये विंडोज के कंट्रोल यूज करता है, तो अगर कैंसिल नहीं दबाया होगा तो फिर अंदर जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने, यानी मैंने फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन किया और कैंसिल कर दिया, तो ये नहीं वर्क होगा। तो इसलिए ये लिखना पड़ा ये स्टेटमेंट ऐसी। तो ये ध्यान से देखिए कि मैंने ओपन किया है बट कैंसिल कर दिया, तो ये बाहर निकल जाएगा। पर अगर मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मैं अंदर लिखूंगा पिक्चर बॉक्स वन, जो हमारे कंट्रोल का नाम है, डॉट इमेज इक्वल टू इमेज फ्रॉम फाइल। तो मैं अभी ये इमेज ले रहा हूँ फाइल, पर फाइल का नाम कहाँ से आएगा, तो ओपन डायलॉग वन, ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम। तो बहुत ही सिंपल कोड है। अगर मैंने कैंसिल नहीं दबाया, यानी मैंने कुछ इमेज सिलेक्ट की, तो इसका जो फाइल नेम रहेगा उसको इमेज करके वो सिलेक्ट कर लेगा। ओके, बहुत ही सिंपल कोड है, देखिए बहुत ही सिंपल कोड है इसका। मैं रन करता हूँ, देखते हैं हमारे सिस्टम में कोई इमेज होगी तो हम देखते हैं कैसे डिस्प्ले होती है। देखिए अभी तो सामने कुछ दिख नहीं रहा है, मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि विंडोज की सिमिलर रहेगा। ये देखिए ओपन हो गया, मैं पिक्चर्स में जा रहा हूँ। ओके, तो एक फ्लावर की इमेज है, देखिए
अब पिक्चर बॉक्स बहुत छोटा है, इसीलिए एक काम करते, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते तो हमें इमेज भी डिस्प्ले होगी। इसके लिए मुझे पहले थोड़ा फॉर्म बड़ा करना पड़ेगा, फिर ये शो बटन को मैं यहाँ कर लेता हूँ और ये हो गया मेरा, ये देखो ये बॉक्स मेरा बड़ा हो गया। तो रन करता हूँ फिर से, अब शो ओके, तो ये आ गया हमारा पिक्चर। ओके थैंक यू।